जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का आपका पेपर का सॉल्यूशन था। ये स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर सॉल्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन था, कोडेल बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा होता है। दोस्तों, जो कोडेल बनाने के लिए उपयुक्त फल होता है वो आपको कौन सा संतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की डिब्बाबंदी इस घोल में होती है। दोस्तों, जो फलों की डिब्बाबंदी होती है वो आपके सिरप में की जाती है। किसमें? सिरप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सुखाने हेतु क्या कि सुखाने हेतु उपयुक्त सब्जी कौन सी होती है। दोस्तों, सुखाने हेतु आपके जो करेला होता है उपयुक्त सब्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 था कि आम के भंडारण हेतु उचित उपयुक्त तापमान दोस्तों क्या होता है। तो 7 से 8 होता है। कितना होता है? 7 से 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 5, 2 से 5 मिनट तक सब्जियों को उबालकर ठंडा करने की क्रिया को हम ब्लाचिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, शून्य ऊर्जा प्रचंड ताप प्रचंदन गृह का आविष्कार कहाँ हुआ था। IRI में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका था प्याज के भंडारण में आर्द्रता का उपयुक्त प्रतिशत कितना होता है। दोस्तों, कितना होता है आपका? 60 से 70 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था काली गर्दन की समस्या है। दोस्तों, काली गर्दन आपकी सोच की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जेली के अंतिम बिंदु पर तापमान क्या होता है। दोस्तों, जेली के अंतिम बिंदु पर तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन से प्राप्त पदार्थ कौन सा है आपका। दोस्तों, शराब होता है। क्वेश्चन था आपका 11, माइक्रोटॉक्सिन पैदा होता है। दोस्तों, जो माइक्रोटॉक्सिन है आपका ये पैदा करते हैं तो क्या पैदा करते हैं दोस्तों, आपके मोल्ड पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रतिजैविक जिसका प्रयोग संरक्षण में किया जाता है। दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, टमाटर से निर्मित पदार्थों में निर्जमीकरण हेतु ताप कितना होता है। दोस्तों, जो कितना ताप होता है उसके लिए 115 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 14, सिरका बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा होता है। दोस्तों, आपका जामुन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई पिलिंग किसका नाम है। दोस्तों, लाई पिलिंग आपको रासायनिक पिलिंग को ही लाई पिलिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16, प्री कूलिंग का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों, प्री कूलिंग का उद्देश्य होता है फील्ड हीट को कम करना। क्वेश्चन नंबर 17, जब फल सब्जियों को पूर्ण रूप से भौतिक वृद्धि कर लेती हैं तो इसे क्या कहते हैं। दोस्तों, मैच्योरिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बीज का रंग देखकर इस फल की परिपक्वता ज्ञात की जाती है। तो जो पपीता है उसकी परिपक्वता ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, नॉन क्लाइमेट्रिक फल का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों, तो नॉन क्लाइमेट्रिक जो फल है आपका दोस्तों कौन सा होता है, जामुन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उच्च श्वसन दर वाला फल, दोस्तों उच्च श्वसन दर वाला फल कौन सा होता है इनमें से, तो आपका जो केला होता है उच्च श्वसन दर वाला फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथिलीन शोषक का कार्य करता है तो KMnO4, इथिलीन शोषक का कार्य करता है कौन सा दोस्तों, KMnO4 करता है। क्वेश्चन नंबर 22, शीघ्र खराब होने वाला फल दोस्तों कौन सा होता है, आपका जामुन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, पादप हार्मोन जो कि रीग्रीनिंग उत्पन्न करता है दोस्तों कौन सा होता है, जिब्रेलिन, कौन सा, जिब्रेलिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, इनमें सभी सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। दोस्तों, सूक्ष्मजीव सारे के सारे किसमें मर जाते हैं आपके, तो स्टरलाइजेशन की जो क्रिया होती है इसमें सभी सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कृत्रिम रूप से फल सब्जियों की ऊपरी सतह पर मोम लेपन को वैक्सीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फल सब्जियों की साफ सफाई कहलाती है तो दोस्तों एसेप्सिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27, कार्बनीकृत पेय पदार्थ का उदाहरण क्या है, तो कार्बनीकृत पेय पदार्थ का आपका उदाहरण होता है पेप्सी। क्वेश्चन नंबर 28, किण्वन द्वारा प्राप्त पेय पदार्थ होता है तो किण्वन द्वारा पेय पदार्थ आपका साइडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमीर इस हेतु जिम्मेदार होते हैं तो फर्मेंटेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरब्बा बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल होता है तो आंवला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से सेपोनिन पाया जाता है। दोस्तों, तो सेपोनिन आपके किसमें, मटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम जो रंगों को उड़ा देता है कौन सा होता है, तो आपका जो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेस एंजाइम रंगों को उड़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन पदार्थों हेतु उपयुक्त संरक्षक कौन सा होता है, तो सोडियम बेंजोइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एंजाइम जो दुर्गंध पैदा करता है कौन सा होता है, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का प्रतिशत जो संरक्षक का कार्य करता है तो 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे फेनी बनाई जाती है दोस्तों, तो आपके काजू से फेनी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जॉस्टिंग का मुख्य उद्देश्य होता है, तो हवा निकालना एग्जॉस्टिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम का संरक्षण इसके द्वारा होता है दोस्तों, तो जेम का जो संरक्षण किया जाता है दोस्तों वो किसके द्वारा होता है, जेम का संरक्षण आपकी चीनी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल सब्जियों को धूप में सुखाना क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम बनाने के लिए कैसे फलों का उपयोग किया जाता है, तो गुदेदार फलों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली मीटर का प्रयोग इसे ज्ञात करने के लिए करते हैं। दोस्तों, जेली मीटर का उपयोग हम पेक्टिन ग्रेड को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा होता है, तो अनानास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला में इसकी अधिकता होती है दोस्तों, तो आंवला में आपके फिनोल एवं विटामिन सी की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी परिरक्षण की विधि का उदाहरण है दोस्तों, तो स्थायी परिरक्षण की जो विधि होती है इसका उदाहरण एसेप्सिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्बाबंदी के जनक कौन है, तो डिब्बाबंदी के जनक आपके कौन है, निकोलस एपार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, FPO
फूड प्रोडक्ट ऑर्डर की शुरुआत कब हुई? तो 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल एवं सब्जी हेतु फ्रीजिंग का तापमान दोस्तों 0 से -18 डिग्री सेंटीग्रेड। इस यंत्र को TSS याद करने के लिए तो रिफ्रेक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTS जूस में मौजूद होता है दोस्तों, RTS जूस में 10% मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचार का संरक्षण होता है, तो अचार का संरक्षण उपयुक्त सभी से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों का प्रोसेसिंग तापमान क्या होता है? तो आपकी जो सब्जियां होती हैं इनका प्रोसेसिंग तापमान 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 115, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी और नमक का घोल दोस्तों क्या कहलाता है? आपका ब्राइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन परिरक्षक नहीं है? तो इनमें से दोस्तों आपका सिट्रिक एसिड परिरक्षक नहीं होता। क्या? सिट्रिक एसिड आपका परिरक्षक नहीं होता है। स्पोर बनाने के लिए कौन सा दोस्तों? तो स्पोर बनाने के लिए इसका आंसर उपयुक्त सभी आ जाएगा, लेकिन यदि इसका आंसर और कुछ होता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बाकी हमें जो मिला उसके अकॉर्डिंग इसका उपयुक्त सभी आएगा, और यदि उपयुक्त सभी नहीं है, आपको कोई आंसर मिला है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्बाबंद हेतु उपयुक्त सब्जी दोस्तों, डिब्बाबंद हेतु उपयुक्त सब्जी मटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी जिसका प्रयोग मुरब्बा बनाने में करते हैं तो कुंभा हेड़े का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर केचप का TSS होता है, तो टमाटर केचप में जो TSS होता है 25% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CFTRI कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपके मैसूर कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों इसके बाद जो आपका पेपर होने वाला है उसके जो वीडियो से पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, और कुछ वीडियो से भी अपलोड किए जाएंगे, तो उन्हें लेने के लिए, उनका PDF प्राप्त करने के लिए और वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 7697505033 इन नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।